नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम तंदूर की रोटियां लेकर आए हैं जो शुगर वाले भाई बहनों के लिए एक वरदान साबित होती है। और इसके लिए मैं आटा गूंद के रखा, ये देखिए, इसमें बेसन, एक मात्रा बेसन की और दो हिस्से गेहूं का आटा, और उसको अच्छे से गूंद करके ये गोलियां बना करके रखी। और ये हमारा तंदूर, पहले इसमें आग जलाते हैं इसको गर्म करने के लिए। जैसे ही इसकी आग ठंडी हो जाती है तो अब इसमें हम रोटियाँ लगाते हैं। और रोटियाँ कैसे लगाते हैं, इसमें पानी का हाथ लगाते हैं पहले ऐसे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिस्सी रोटी बना रहे हैं शुगर वाले भाई बहनों के लिए। ये देखिए, ऐसे पानी का हाथ लगाते हैं, इस पर सूखा आटा नहीं लगाना, और इसको ऐसे बनाते हैं। और देखिए कितना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है अगर करें तो। इसको ऐसे बनाते हैं हाथ, ये देखिए। अब इसको ऐसे चिपका देते हैं इसके अंदर, और एक साथ चार पांच रोटियां लग जाती हैं। और ये देखिए पानी के हाथ की रोटी है, इसको सूखा आटा नहीं लगाना। इसको आम आदमी कोई भी खा सकता है। एक ये घी का काम करते हैं, बहुत ही ताकतवर रोटी होती है तंदूर की रोटी जो होती है, बहुत ही अच्छी। और शुगर वाले भाई बहनों के लिए तो एक रामबाण का काम करती है। देखिए ऐसे चिपकाते हैं, और देखिए अपने आप सीख जाती है। और ये देखिए हमारी तंदूर की रोटी कितनी अच्छी बनी है, ये देखिए एकदम फूली हुई, ये देखिए। इसको रखते हैं, और ये देखिए अब दूसरी भी फूल चुकी है। ये देखिए इसको भी ऐसे डालते हैं और एकदम से फिर निकाल देते हैं ऐसे। ये देखिए ना ही जली। और ये देखिए हमारी तंदूर वाली रोटी बिल्कुल तैयार है। और कितना आसान है, एक साथ कितनी जल्दी कितनी रोटियां बन जाती हैं। और शुगर वाले भाइयों के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक है, ये घी का काम करती है, इतनी ताकतवर रोटियाँ होती हैं। और कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर करें तो, कितना आसान है। और ना करें तो सारे काम मुश्किल है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे से आगे शेयर कीजिए। जय माता दी।